अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा सावन के पवित्र मास में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने एवं आगामी मुहर्रम त्योहार की तैयारियों के संबंध में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, अभी त्योहार मनाए जाने हैं, विशेष रूप से सावन का पवित्र महीना मास चल रहा है और इस समय पर कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों द्वारा शिवालयों में जलाभिषेक किया जाता है। जितने भी जनपद गोरखपुर में ऐसे शिवालय हैं जहां पर लोगों की आस्था है, जहां पर लोगों का आगमन आम जनता का रहता है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग से ड्यूटी लगाई गई है। सभी थाना प्रभारियों को, गजेटेड ऑफिसर्स को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था का पर्यवेक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिन जिन मार्गों पर आवागमन होता है या जिन जिन मार्गों का इस्तेमाल शिवालयों तक पहुंचने के लिए किया जाता है, वहां की ट्रैफिक व्यवस्था का भी अलग से प्रबंध किया गया है। कांवड़ यात्रा में चलने वाले सभी लोगों को और आम जो पब्लिक चल रही है, ताकि ट्रैफिक की कोई समस्या ना आए या कोई घटना दुर्घटना ना घटित हो पाए, उसके लिए भी सभी समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो मुहर्रम का जो आने वाले दिनों में उसका आयोजन होगा, उसके लिए भी पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं। सभी के साथ कमेटीज़ के साथ संपर्क करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी आयोजन, सभी त्यौहार और सभी पर्व जो है वो मनाए जाएं, या उसका जो भी आयोजन जिस तरह से होना है उसी तरह से वो आयोजन हो, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जो हमारा LIU है और बाकी जो सूचना तंत्र है उसको भी एक्टिव किया गया है और विशेष रूप से सोशल मीडिया पर ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राउंड द क्लॉक हमारा सोशल मीडिया सेल एक्टिव है। कोई भी अराजक तत्व, यदि किसी भी प्रकार की कोई अराजकता फैलाने का प्रयास करता है, कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नज़र रखी जा रही है और ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो इस तरह की कोई हरकत करने का